नमस्ते, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का जो पाठ है ये है कबीर। जी हाँ, नवीं कक्षा हिंदी पूरक पठन पाठ क्रमांक 3 कबीर, ये आज हम देखने वाले हैं। कबीर जी भक्ति काल के प्रखर साहित्यकार थे और समाज सुधारक भी थे। देखो कि यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने इस पाठ के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश कैसे थे, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से इस पाठ में स्पष्ट किया है। देखो, कबीर ये पूरक पठन है और लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने कि कबीर जो है ये भक्ति काल के प्रखर साहित्यकार और समाज सुधारक थे। हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में ये व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है। अब यहाँ लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि बड़ाई में या महत्व में केवल एक व्यक्तित्व जो है इनके प्रतिद्वंद्वी मालूम होते हैं, और वह व्यक्तित्व है तुलसीदास। जी हाँ, तुलसीदास। पहले पैराग्राफ में इन्होंने तुलसीदास और कबीर इनमें क्या फर्क है ये बताने की कोशिश की है। तो देखो कि दोनों में व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। दोनों के व्यक्तित्व में, दोनों भक्त है लेकिन स्वभाव में, संस्कार में, दृष्टिकोण में ये काफ़ी भिन्न है। कौन कौन? तुलसीदास और कबीर, है ना। अब देखो कि मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। अब देखो कि साहित्य का मतलब क्या है? सहित, जिसमें समाज का हित हो, ऐसा, है ना। तो हिंदी साहित्य में अद्वितीय व्यक्ति कौन है? तो वो है कबीर। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। देखो, लेखक कह रहे हैं कि कबीर ये जो है इनका या कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, है ना। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं सब व्यर्थ हो गई है। मतलब बहुत लोगों ने इनका अनुकरण करने का प्रयास किया लेकिन वो सब व्यर्थ रह गए, है ना। मतलब इनका अनुकरण कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कबीरदास की वाणी वो लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। अब यहाँ ये पाठ है ना, बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करो। मैं बहुत ही विस्तार से आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, है ना। देखो कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में, अब योग का मतलब क्या है? यहाँ योग ये कर रहा है ना, योगा, हठ योग वही है। तो कबीर की वाणी लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। अब देखो कि उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था, मतलब मूल अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, है ना। एक टूट जाता था लेकिन झुकता न था, और दूसरा जो है झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं आते थे कि कबीर जी जो है इन्हें, इनको किसी भी करुणा, किसी के भी करुणा के अश्रु देखकर वे कभी भी कातर नहीं हुए, मतलब भयभीत नहीं हुए, बल्कि और भी कठोर होकर, मतलब उसे डांटते थे, फटकारते थे, बोलते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा से ही
विचलित नहीं हो पड़ते थे। कहने का मतलब ये है कि वो कभी विचलित नहीं हुए, है ना। वांछा का मतलब क्या है? अभिलाषा। तो सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की जो अभिलाषा से वो कभी विचलित नहीं हो पड़े, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। मतलब लोगों में जागृति पैदा करने के लिए इन्होंने संसार में परे रहने का उपदेश दिया है। संसार में क्या रखा है उसे त्याग दो, यही उपदेश ये हमेशा देते रहे, और भक्ति मार्ग अपना लो ये बताने की कोशिश हमेशा उन्होंने की है। वो कहते हैं संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, जो संसार में व्यस्त है, जो संसार मतलब संसार करने वाले जो लोग हैं उन पर दया क्यों करें? मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ है, है ना। जो मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहते हैं उन्हें, उन लोगों को, या मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले जो लोग हैं उन्हें आराम नहीं है, है ना। कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। देखो यहां लेखक कह रहे हैं कि कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। देखो कि यहां ये वो कह रहे हैं कि लोगों के भाग्य बदलना ही संतों का काम है। संतों का काम क्या है? लोगों को अच्छा मार्ग दिखाना, है ना, यही तो संतों का काम होता है। यहां दो जो दोहा है तो यहां अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का डंक कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आय जा भेष भगवंत पाही। अब देखो कि इसका भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव तू ज्ञान का महत्व समझ ले, ज्ञान को कितना महत्व है ये पहले तू समझ ले। तू ज्ञान को गेंद बना, है ना। गेंद का मतलब क्या है? जैसे हम बॉल कहते हैं ना, हाँ, तू ज्ञान का गेंद बना और सुरत यानी स्मरण शक्ति को डंडा बना, और उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर मैदान रूपी संसार में चारों तरफ मार। अर्थात तू पहले तो ज्ञान को हासिल कर, उसे याद कर, और फिर अपने ज्ञान को सारे संसार में फैला दे। तू जगत के मोह माया को छोड़ दे और ज्ञान और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं किस भेष में तुझे परमात्मा मिल जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। देखो अखंडता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। अखंडता का मतलब है स्वाभिमान, है ना। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं, अवधूत का मतलब क्या है? सन्यासी, साधु, है ना, जब उनको संबोधन करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते हैं, है ना, पहेली बुझाते रहते हैं। पहेली का मतलब क्या है? जैसे हम मराठी में कहते हैं कोड, है ना, सुन्न और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्य सत्व की चर्चा करते रहते हैं, है ना, क्या है द्वैतवाद, क्या है अद्वैतवाद। तो इस प्रकार इन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब देखो कि अवधु अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा गगना पवना दोनों बिन से, कहे गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति जल के पानी मध्य तारा, घटी गे नीर बिन सिने तारा निकरी गयो के ही द्वारा। अब इसका भावार्थ छात्रों इस प्रकार है। कबीर जी ने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ एवं अनोखा माना है। कबीर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन है? ईश्वर है, भगवान है, है ना, या सज्जन लोग होते हैं या साधु जो है उनको सर्वश्रेष्ठ माना है। उसके दूजा कोई नहीं, उनके सामने दूसरा कोई नहीं है। परंतु ये सच जानते हुए भी
अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ढोंगी साधुओं को फटकारा है ना। क्योंकि हमें तो मालूम है आजकल क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से साधु ऐसे हैं कि मुंह में राम होता है और बगल में छुरी होती है, मतलब दिखाते कुछ है होते कुछ अलग है। उसी प्रकार जो ढोंगी साधु होते हैं उनको इन्होंने काफ़ी फटकारा है। कबीर जी ढोंगी साधुओं को फटकारते हुए कहते हैं कि तुम किसी गुफा में बैठकर हवा और आसमान को वश में करने की ताकत रखने की बात करते हो, है ना, गुफा में बैठते हो और आसमान को वश करने की बात करते हो, परंतु यही हवा और आसमान अपना गुस्सा दिखाते हैं तो उस समय तुम्हारा साधुत्व और योगित्व कहाँ जाता है, इस प्रकार वो फटकारते हैं, है ना। ईश्वर ही श्रेष्ठ है ये बात जान ले, आसमान में चमकने वाली बिजली और पानी में उठने वाली तरंगे क्षणिक होती है, वैसा ही जीवन भी क्षणिक है। जिस तरह से आसमान से पानी का गिरना और तारों को टूटना क्षणिक है, वैसा ही ये जीवन का तारा किस द्वार से टूटकर गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुम्हें ईश्वर को पहचानकर सत्य की राह पकड़नी आवश्यक है। यही बात इन्होंने इस दोहों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, कबीर जी स्वभाव से फक्कड़ थे, फक्कड़ का मतलब मस्त थे, मस्त मौला थे, बिंदास थे, है ना। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मोराडा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। हम घर जारा अपना, लिया मुराडा हाथ, अब घर जारो तासु का जो चले हमारे साथ। कहने का मतलब यह है कि कबीर जी कहते हैं मैंने हाथ में मशाल ली, मुराडा का जो अर्थ है ये मशाल है ना, और मेरे घर को जलाया, हाथ में मशाल लिया और घर को जला दिया। घर को जला दिया इसका मतलब असल में जला दिया ये बात नहीं छात्रों, इसके पीछे ये राज है। मतलब ये कहना है उन्हें कि मैंने घर के अंदर के विकारों को जला दिया, है ना, जैसे मोह माया इनको जलाया, जो मेरे भक्ति मार्ग में राह में आएंगे मेरे साथ चलेंगे उनके घर के भी मैं विकार जलाऊंगा। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संसार रूपी मोह माया त्याग देनी चाहिए, यही उनकी सीख है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, है ना, मस्त मौला का मतलब क्या है, मस्त मौजी, अपने ही धुन में सवार रहने वाले, है ना, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। जो मस्त होता है, जो मस्त मौला होता है, जो अपने ही धुन में सवारता रहता है, वो वर्तमान में वह पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, है ना, बीती बातों को ध्यान में नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता, है ना। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज मैंने क्या कमाया, मैं क्या कमाऊंगा, मेरा कैसा होगा, आगे कैसा होगा, इस प्रकार का वो हमेशा ये सोचता रहता है। तो ये जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो कभी मस्त नहीं हो सकते, है ना। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है, जो लोग अतीत का चिट्ठा खोले रहते हैं वो भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता, है ना, वो मतलब भविष्य में वो कभी बदल नहीं कर सकता। क्रांति का मतलब क्या है, बदलाव। जो मत वाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, ये प्रेम के मत वाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। अब देखो कि यहां माशूक का अर्थ क्या है, प्रेमी या प्यारा, है ना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी प्रेमिका के लिए या अपने प्यारे लोगों के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। कफन का मतलब क्या है, मृतक को लपेटने वाला जो सफेद कपड़ा होता है ना, उसे कफन कहते हैं।
मतलब यह है कि हर वक्त मृत्यु को आमंत्रण देने वाले लोग माशूक के लिए दिखाई देते हैं, है ना, माशूका के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से कबीर नहीं थे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। अब देखो कि भावार्थ इस प्रकार है, कबीर जी का स्वभाव मतवाला या फक्कड़ वाला था, है ना, बिंदास था, वो अपने आप में रमने वाले थे। पर के पंक्तियों में वे कहते हैं कि हम तो स्वयं से प्रेम करते हैं, लोग इस पर क्या कहेंगे, इस होशियारी से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया रहे या ना रहे, हमें इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, हम लोगों के पीछे उनकी होशियारी के लिए भटकने वाले नहीं है। जैसे कोई अपना बिछड़ने पर पानी के लिए कोई दर बदर भटकता है, उनमें से मैं नहीं हूँ। हमारा दोस्त, मतलब मेरा जो दोस्त है, ईश्वर है, तो हमारे अंदर ही बसता है, ईश्वर जो है हमारे अंदर ही है, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इंतजार आवश्यक है। मतलब ईश्वर को पाने के लिए यहाँ वहाँ दर बर भटकना हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा ईश्वर मेरे ही अंदर है। इसीलिए ये फक्कड़ राम, मतलब इसीलिए कबीर जी किसी के धोखे में आने वाले में नहीं थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। मतलब योग प्रक्रिया ये करने वाले थे, मतलब अनुभव करने लगे लेकिन वो जची नहीं। अब यहाँ योग प्रक्रिया का मतलब क्या है, योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है ना, इसे कहते हैं योग। उन्हें ये परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। क्या ऐलान किया, देखो, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, है ना। अब इसका भावार्थ इस प्रकार है, कबीर जी कहते हैं, हे मनुष्य, आसमान में जीना, मतलब कल्पना में जीना, ये छोड़ दे, अपने आप की जांच पड़ताल करोगे तो सब कुछ पाओगे। स्व पहचान करो, पहले हम क्या है इसे पहचान जाओ। बाह्य ज्ञान से कई गुना महत्वपूर्ण बात आत्मज्ञान की है, इसलिए कल्पना में जीना छोड़ दो। कबीर की ये घर फूंक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी, है ना। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेश की नजरों से नहीं देखा, कभी भी संदेह नहीं किया, कभी भी उनके ऊपर शंका जो है नहीं ली, अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं, अपने प्रति उनका जो विश्वास है कभी हटा नहीं, क्योंकि वो अपने आप पर बहुत विश्वास रखते थे। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मन से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करने ही पनपती है ना। मतलब आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी जहाँ कोई वीरला शूर ही टिक सकता था, है ना। कबीर के लिए जो साधना है ये भयंकर युद्ध जैसा था कि उस युद्ध में कोई बहुत कुछ ही लोग या बहुत कम शूर ही टिक सकते थे, इस प्रकार उनका कहना है। साई सेंत न पाइए, बाता मिले न कोए, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कैद न होए। अब इसका अर्थ इस प्रकार है, कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर अथवा प्रेम सहज ही में प्राप्त नहीं होता, है ना, ना ही बड़ी बड़ी बातें करने से प्राप्त होता है। ईश्वर को पाने के लिए उसके साथ सिर झुका देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आदमी के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार को त्यागने की भावना होनी चाहिए, है ना। बिना सिर दिए वो मुझे नहीं मिलेगा,
मतलब ईश्वर के सामने झुकना ही पड़ेगा, यही उनका कहना है। प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जिस रुचे सिर दे सो ले जाए। सुरे शीस उतारिया छाड़ी तन की आस, आ गए थे हरी मुलकिया आवत देख्या दास। अब देखो कि इसका भावार्थ इस प्रकार है। कबीर जी कहते हैं, प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता और ना ही वह बाजार की बिकाऊ चीज है ना, मतलब खेत में उत्पन्न नहीं होता और वो बाजार में बिकाने वाली चीज भी नहीं है, मतलब वो बिकाऊ नहीं है, जो खरीदी जाए है ना, प्रेम को पाना पड़ता है, वो कहीं नहीं मिलता है, खेत में नहीं मिलता है। जो अहंकार का त्याग कर विनयशील बनता है वही प्रेम पा सकता है ना। बहुत ही सुंदर बातें इन्होंने की है कि पहले हमारे अंदर का जो अहंकार है उसे त्याग दो, नम्रता अपनाओ, विनयशील बनो, तब जाकर हम प्रेम पा सकते हैं। फिर वो राजा हो या प्रजा, प्रेम दोनों के लिए समान है ना। जो विनम्र बनता है उसे प्रेम पाने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने आप प्रेम की प्राप्ति होती है, मतलब ईश्वर की प्राप्ति होती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो ईश्वर प्राप्त करने के लिए राजा हो या रंक हो, दोनों को भी झुकना पड़ता है, विनम्र होकर रहना पड़ता है, तब जाकर प्रेम मिलता है, मतलब ईश्वर मिलता है। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी, है ना। अब देखो कि भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पापी नहीं समझा, पतित का मतलब क्या है, पापी, क्योंकि उनके दैन्य में उनके दीनता में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ता था, मतलब वो काफी आत्मविश्वास वाले व्यक्ति थे। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी, मतलब जो मदिरा है वह किससे बनी थी, ज्ञान के गुण से तैयार हो गई थी, है ना। इस प्रकार यहां अब देखो कि मदिरा का मतलब क्या है, नशीला पदार्थ है, मतवाला मतलब नशे में चूर रहने वाला, मस्त रहने वाला, मतलब वो अपने ज्ञान में ही मस्त रहते थे, इस प्रकार उनका स्वभाव था। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, है ना, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। अब देखो कि अंतिम जो पंक्तियां है, इस प्रकार हम इसका भावार्थ मतलब समझ लेते हैं कि युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। कबीर जी जो है ये युगावतारी शक्ति लेकर पैदा हुए थे, विश्वास लेकर पैदा हो गए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी। अब युग प्रवर्तक का मतलब क्या है, युग को आरंभ करने वाला, है ना, तो इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके, इसीलिए ये दुनिया का परिवर्तन कर सके, लोगों को समझा सके, लोगों के अंदर बदलाव ला सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, है ना, सिर से पैर तक लापरवाह थे, बिंदास्त थे, बेपरवाह थे, दृढ़ निश्चय वाले थे, उग्र थे मतलब तीव्र थे, उनका स्वभाव तीव्र भी था। किस प्रकार, ये होने के बावजूद भी कबीर जी कुसुमादपि कोमल वज्रादपि कठोर थे, मतलब ये थे। अब देखो कि कुसुमादपि का मतलब क्या है, फूलों से भी कोमल, और वज्रादपि का मतलब उग्र, है ना। अब वज्र का मतलब क्या होता है, नुकीला, तीव्र, है ना, जैसे भाले नुमा, तो यहाँ एक ही मतलब हम समझते हैं कि तीव्र, है ना, कठोर। तो दोनों का अर्थ मिलाने के बाद ये पता चलता है कि कबीर जी बाहर से वज्र जैसे कठोर और अंतकरण में या अंदर से पुष्प जैसे कोमल थे। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है
ये पाठ आपके समझ में आया होगा। अगर कुछ शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।